Hello, students. How are you all? Hope you are doing good at your home. So, students, today in this video, I'm going to explain topic about compound words. What? Word, spell with me. It is C O M P O U N D. Compound. We'll say. सी ओ एम पी ओ यू एंड डी कम्पाउंड वर्ड्स क्या है टॉपिक का नाम कम्पाउंड वर्ड्स तो स्टूडेंट मैं आप लोग को बता दूँ क्या है कम्पाउंड वर्ड्स कम्पाउंड वर्ड्स ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं जिससे कि दो अलग अलग वर्ड्स को मिला के एक ऐसा वर्ड होता है जो कि बिल्कुल नया एक वर्ड होता है एक नए चीज़ का वर्ड बनता है एज यू कैन सी ओवर यर स्टूडेंट्स दिस इज़ दिक्चर ऑफ द सन सन की पिक्चर है है ना सन मतलब सूरज राइट right? सूरज का यहाँ पे क्या बना हुआ है पिक्चर बना हुआ है एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फ्लावर एक फूल का पिक्चर बना हुआ है सो so, यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक प्लस का साइन बना हुआ है है ना स्टूडेंट्स सो so, प्लस का साइन जब होता है तो हम क्या करते हैं दोनों चीज़ को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है दोनों चीज़ को ऐड करके बोलना है ठीक है तो सन एंड फ्लावर दोनों को मिला के क्या बना सन फ्लावर ओके सन क्या है अलग चीज़ है राइट सन कहाँ होता है स्काई में होता है नो you know. और फ्लावर कहाँ होता है फ्लावर जमीन पे होता है या फूलों पेड़ों में लगा होता है राइट दोनों क्या है दोनों अलग अलग चीज़ है लेकिन जब हम दोनों को मिला के एक साथ बोलेंगे तो क्या बनेगा सनफ्लावर आप लोग को पता है ना वॉट इज़ द कलर ऑफ सनफ्लावर इट इज़ अ येलो ओके इट इज़ अ येलो इन कलर राइट सो सनफ्लावर क्या बना एक न्यू फ्लावर का नाम बना इज इट है ना सो so, इसी तरह के uh, चीज़ को इसी तरह के इसी तरह से जो हम किसी uh, दो तरह अलग अलग वर्ड से कोई न्यू वर्ड बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स ओके आपको समझ में आया इसी तरह देखिए सेकंड क्या है व्हाट इज़ दिस दिस इज़ कप ओके जिसमें आप लोग क्या पीते हो दूध पीते हो और आपके पेरेंट्स चाय पीते हैं कप राइट right? एंड वॉट इज दिस आप सबको पता है ये क्या है दिस इज केक जो कि आप लोग क्या करते हो अपने अपने बर्थडे पर कट करते हो राइट सो कप एंड केक बहुत आर डिफरेंट वर्ड्स बट जब वो मिक्स हो गए तो फिर क्या बना कप केक आप सब ने कप केक खाया है ना कप केक सो हो होप आप सबने कब कप केक खाया होगा राइट सो कप केक एक न्यू वर्ड word. दोनों वर्ड्स को मैच करा के क्या बना कप केक ओके से थर्ड देखिए क्या है रेन दिस इज़ क्लाउड ये आई नो आपकी मैम की ड्राॅइंग थोड़ी ख़राब है बट समझ जाइए दैट इज़ क्लाउड एंड क्लाउड में से क्या निकलता है बारिश राइट सो What इज दिस दिस इज रेन एंड what इज दिस दिस इज bow. राइट right? जब भी हम तैयार होते हैं तो हम लोग अपने आ, जो गर्ल्स हैं वो क्या बांधते हैं अपने head पे वो बांधते हैं राइट right? और बॉयज जो है इसको कभी कभी टाई की जगह वो भी यूज़ करते हैं राइट सो बोथ आर अ डिफरेंट वर्ड्स दोनों क्या हैं अलग अलग वर्ड है रेन एंड बो बट जब दोनों को हम लोग क्या करेंगे जब दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे इट विल बिकम अ न्यू वर्ड विच इज़ रेनबो आप सब ने रेनबो देखा है न रेनबो कहाँ होता है ये स्काई पे होता है ओके सो रेन एंड बो को जब हमने मिक्स किया तो ये न्यू एक फर्ड इन्वेंट हुआ विच इज़ रेनबो ओके फोर्थ फोर्थ इज स्टार आप सबको पता है स्टार कहाँ होता है स्टार स्काई में होता है राइट right? जब रात होती है तो स्काई में वो ट्विंकल करता है ना स्टार राइट स्टार एंड वॉट इज दिस दिस इज फिश फिश कहाँ रहती है फिश वाटर में रहती है सो स्टार एंड फिश जब हम दोनों को मर्ज करते हैं या मिक्स करते हैं तो क्या बनता है स्टारफिश स्टारफिश आप लोग को पता है स्टारफिश हो होप आप में से सब किस कुछ को पता होगा स्टारफिश क्या होता है स्टारफिश दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ फिश ये एक तरह का फिश होता है जो कि कहाँ रहता है वो समुद्र में पाया जाता है ओके स्टूडेंट्स एंड व्हाट इज दिस दिस इज बास्केट ओके दिस इज बास्केट एंड वट इज दिस दिस इज़ बॉल राइट सो बास्केट एंड बॉल जब हमने इसको मर्ज किया तो क्या हुआ बास्केट बॉल आप लोग को पता है बास्केट है नो अबाउट दिस बास्केट बॉल दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ गेम ये हमारे स्कूल के ग्राउंड में भी है आप लोगों ने ध्यान दिया जहाँ आप लोग प्ले करने जाते हो प्ले ग्राउंड वहाँ पर भैया लोग खेलते हैं ना बास्केट बॉल वही बास्केट बॉल राइट right?